हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.11 की। इंटीग्रल कैलकुलस क्या बेटा? इंटीग्रल कैलकुलस है, और ये जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ये एक्सरसाइज 7.11 में मिलेंगे। और इन प्रॉपर्टीज को हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में, जिसे आप प्रॉपर्टी देख लेंगे तो आपको इसका सारा डेरिवेशन मिल जाएगा। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जाए बेटा, पहले हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इसके प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हेलो बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल उनको सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, मैथ्स आइडिया। ओके, चलिए। तो प्रॉपर्टीज हम लोग के पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर दिया गया है तो ए टू बी हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में विद इन लिमिट। एक्स क्या लिख दिया? टी लिख दिया है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास ए टू बी, अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज किया है तो लिमिट को इंटरचेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी थी बेटा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो अगर ए टू बी के बीच में, ए टू बी के बीच में कोई पॉइंट सी दिया गया है तो हम पहले ए टू सी जाएंगे और फिर सी टू बी जाएंगे। तो ए टू सी गए और फिर सी टू बी गए, तो ये वैल्यूज सेम रहती हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? किंग्स प्रॉपर्टी। हमने बताया भी था किंग्स प्रॉपर्टी होती है और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो किंग्स प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर ए टू बी एफ एक्स है तो हम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस एक्स। ए प्लस बी मतलब क्या हो गया बेटा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स कर सकते हैं। सेम मैनर में अगर हमने एक लिमिट को जीरो कर दिया, एक लिमिट को क्या कर दिया? जीरो कर दिया, तो क्या होगा? ए प्लस जीरो मतलब ए ए माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो एक्स की जगह क्या लिखना है आपको? ए माइनस एक्स लिखना है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो थी वो क्वेश्चन डिपेंडेंट थी इवन एंड ऑड पर। माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया गया है। तो अगर ये फंक्शन इवन है, अगर ये फंक्शन क्या बेटा? इवन है। देखो ध्यान से, ये प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने, ये इवन फंक्शन होता है, इवन है। अगर ये इवन है तो ये होता है टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। अगर ये फंक्शन ऑड होता है तो ऑड के केस में वैल्यू क्या आती है बेटा? जीरो आती है। ओके, प्रॉपर्टी सिक्स, जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो ध्यान से देखिएगा, अपर लिमिट से अगर हम एक्स को माइनस कर रहे हैं, अपर लिमिट से एक्स को माइनस कर रहे हैं और फंक्शन के इक्वल है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम फंक्शन को टू टाइम्स कर सकते हैं। यहाँ से टू बाहर निकाल देते हैं, टू टाइम्स करके जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। और अगर टू ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिक्स प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान से कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है ना, और कंप्लीट वीडियो देखिएगा बेटा जिससे आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सॉल्व एग्जांपल्स हैं जहाँ हम स्टार्ट करते हैं बेटा। किससे स्टार्ट करें? सॉल्व एग्जांपल से। इवेलुएट माइनस वन टू टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। तो जब भी मॉड फंक्शन होता है, मॉड हो, ब्रैकेट हो या कर्ली ब्रैकेट हो, इस टाइप के जब भी फंक्शंस होते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, जब भी ये होते हैं तो इनको हम ब्रेक कर लेते हैं। अब ब्रेक कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनको ब्रेक कैसे करते हैं। देखिएगा, आपके पास क्या दिया गया बेटा? एक्स क्यूब माइनस का एक्स है। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा एक्स, कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। इसे और ब्रेक कर सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो एक्स माइनस वन हो जाएगा और एक्स प्लस वन हो जाएगा। ये इसका एक्चुअल फैक्टर है। ठीक है, अब इनको क्या कर देते हैं? इसको कंपेयर करते हैं बेटा जीरो के साथ। किससे कंपेयर करना है? जीरो के साथ। हमेशा करता है, मॉड का फंक्शन जब भी दिखेगा हमेशा कंपेयर किससे करेंगे? जीरो से। अगर आपने जीरो से कंपेयर कर दिया तो हम इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? जीरो मिलेगी। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी वन और यहाँ से वैल्यू मिलेगी माइनस वन। ये थ्री पार्ट्स हो जाएंगे आपके पास। जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी होगी, माइनस वन से लेस, लेकिन हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो माइनस वन से बड़ा है, माइनस वन से टू के बीच में, तो इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है क्योंकि माइनस वन से लेफ्ट होता तो हम बात कर सकते हैं। अगर यहाँ लिमिट माइनस टू होती तो हमें ये बात करनी पड़ती। अभी क्या कहा गया? माइनस वन से टू, तो हम इसके बारे में बात करें। जीरो से माइनस, माइनस वन से जीरो के बीच में, इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू आप एक्स वाई जेड कुछ भी लगा दें और चेक कीजिए कि इसका साइन क्या होता है।
इसका साइन डिपेंड करता है। जैसे अगर सपोज कीजिए हमने 0.5 लगा दिया, माइनस का 0.5, तो ये एक्चुअल में निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है ना, जीरो से छोटी है, तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, ठीक है, ये निगेटिव हो गया। ये वैल्यू कैसे उठा, निगेटिव 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 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये जो केस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो -1 to 0 के बीच में कैसा आया बेटा, पॉजिटिव आया। अब बात करते हैं 0 to 1 के बीच में, अब 0.5 पुट कर दीजिए, 0.5 कोई भी रैंडमली नंबर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। 0.5 इज अ पॉजिटिव नंबर, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 0.5 अगर पुट किया तो 0.5 -1 इज अ निगेटिव, एंड अब 0.5 अगर यहाँ पुट किया तो 0.5 +1 1.5 इज अ पॉजिटिव, मतलब एक निगेटिव है, मतलब वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव आएगी। अब 1 से बड़ा देख लेते हैं, 1 से बड़ा कुछ भी नंबर देख लेते हैं, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। अब 1.5 लेके देख लेते हैं, ठीक है ना, ईजी होता है कैलकुलेशन करने में। तो 1.5 इज अ पॉजिटिव नंबर, 1.5 -1 मीन्स 0.5 आएगा इज अ पॉजिटिव, एंड ये भी पॉजिटिव, तो ये कंप्लीट पॉजिटिव आएगा। अब हमें इसको ब्रेक करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे ब्रेक करना है, ध्यान से देखिए, -1 to कहाँ तक जाएंगे बेटा, 0 तक जाएंगे। अब इस बीच में ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, जब भी पॉजिटिव होता है तो मॉड का कोई रोल नहीं होता है, वो x³ माइनस का x आ जाएगा, dx आ जाएगा। फिर बात करते हैं 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में वहाँ केस क्या बेटा, निगेटिव है। जब भी मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू होती है तो बाहर क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है, तो माइनस लगा दीजिएगा, x³ माइनस x dx होगा। प्लस मॉड के अंदर अगर निगेटिव, ध्यान रखिएगा मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो बाहर माइनस लगाते हैं बेटा, बाहर क्या लगाते हैं, हमेशा माइनस लगाते हैं। प्लस अब बात आती है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कैसा साइन था, पॉजिटिव, तो इसको एज इट इज x³ माइनस x dx होगा। ये साइन जो कन्वेंशन होता है, साइन के जो प्रॉपर्टीज होती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि साइन अगर पता चल जाएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब x³ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x⁴/4 माइनस x²/2 हो जाएगा, और लिमिट आपके पास है -1 to 0, माइनस है बेटा ये x⁴/4, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सबका सेम होगा, बस लिमिट सबकी क्या है, चेंज है 0 to 1। प्लस यहाँ पे x⁴/4 माइनस x²/2 और लिमिट हो गई आपके पास 1 से 2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करना बेटा, 0 पुट किया तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, और माइनस अगर पुट किया, माइनस ऑफ माइनस 1 पुट किया तो 1/4 और -1/2, क्योंकि प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, माइनस। अब 1 पुट करना बेटा तो क्या आया, 1/4 आ गया, और माइनस का 1/2 आ गया। अब 0 पुट करेंगे तो 0 कंप्लीट खत्म हो जाएगा। प्लस 2 पुट करना बेटा, 2^4 की वैल्यू हो जाएगी 16/4 माइनस 2² मीन्स 4/2, ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। 1 पुट किया तो 1/4 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये हो गया -1/4 +1/2, -1/4 +1/2 +16/4 का मतलब आपके पास 4 हो जाता है, माइनस का 2 हो जाएगा, -1/4 और +1/2, -1/4 इज 3 टाइम्स, सो 3/4 हो गया माइनस का, और +1/2 इज 3 टाइम्स, 1, 2 and 3, सो दिस इज 3/2, +4 - 2 की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे ये 3/2 और माइनस का 3/4 है, तो इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 6/4 है, 6 - 3 मतलब 3/4 प्लस का 2 आ गया, ठीक है ना, और ये कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, और 4 2 8 हो गया, 8 और 3 11, 11/4 आ जाएगा। तो इस टाइप इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इस पूरे क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका क्यों लिए है, साइन। तो मॉड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा किससे कंपेयर होंगे, 0 से कंपेयर होंगे, और 0 से क्या आप कंपेयर कर लेते हैं, देन क्या करना है, उसको साइन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ब्रेक जो होता है वो किस तरीके से होता है बेटा, आपको याद होगा प्रॉपर्टी थर्ड यूज करते हैं ना, प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इवेल्यूएट -π/4 to π/4 sin²x dx। तो जब भी निगेटिव टू पॉजिटिव सेम वैल्यू होती है तो हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं बेटा, -a to +a f(x dx)। इस चीज को समझिएगा कि इवन का केस था तो 2 टाइम्स होता था, 0 to a f(x dx) होता था,
इवन के केस में, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता था, जीरो होता था अगर ऑड होता था। ये क्या था, इवन का केस था और ये था ऑड का केस। तो इवन और ऑड चेक कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया उसको आप एज्यूम कर लीजिए, लेट दिस वन इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना बेटा माइनस एक्स से, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो गया माइनस एक्स आ गया। अब एक्चुअली ये साइन स्क्वायर एक्स है तो माइनस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये साइन माइनस थीटा की वजह माइनस साइन थीटा होती है आपको पता है, और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स जो होता है बेटा वो एफ ऑफ एक्स होगा। मतलब एफ माइनस एक्स को चेंज किया और एफ एक्स आया, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया, फंक्शन हो गया इवन। इवन अगर हो गया तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यूज करें बेटा। इवन के केस में क्या था, टू टाइम्स था, टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई फोर कर देते हैं और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इवन आउट की प्रॉपर्टी लग गई। अब साइन स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट नहीं करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करना होता है, क्या यूज करते हैं बेटा, वन प्लस सॉरी वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाय टू, ठीक है। तो टू टाइम्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई फोर हो गया, वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू डी एक्स हो गया, टू से टू आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब वन का इंटीग्रेशन बेटा एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है बेटा कॉस का साइन टू एक्स, और एक्स का जो कोएफिशिएंट उसे डिवाइड करते हैं टू है, ये हो गया जीरो टू पाई बाई फोर। चलिए भाई पुट कर देते हैं, पाई बाई फोर पुट किया तो यहाँ पाई बाई फोर आ गया, माइनस जब पाई बाई फोर पुट करेंगे बेटा तो यहाँ पे साइन टू एक्स है तो पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है तो वन बाई टू हो जाएगा, माइनस जब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी बेटा पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो प्रॉपर्टीज यूज करके आप लोग क्वेश्चन को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे बेटा हम लोग, एग्जाम्पल 32 दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास 0 टू पाई दिया गया बेटा, और x इंटू आपको दिया गया क्वेश्चन साइन x दिया गया है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में समझते हैं। x इंटू साइन एक्स है, अब x देखो ये एलजेब्रिक पार्ट होता है बेटा और बाकी सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है। तो कोशिश करते हैं जब भी अल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आता है क्वेश्चन में, कभी भी आता है, तो अल्जेब्रिक को इलिमिनेट करते हैं, क्या करेंगे इलिमिनेट करेंगे। अब इलिमिनेशन कैसे होगा, इलिमिनेशन डायरेक्ट तो हो नहीं सकता कि आप एक्स को हटा देंगे, एक्स को तो नहीं हटा सकते, तो हम क्या करते हैं इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस वन इज आई, और जब भी इलिमिनेशन का केस आता तो हम क्या यूज करेंगे बेटा प्रॉपर्टी फोर। प्रॉपर्टी फोर का रूल ये होता है बेटा कि आपको जहां पर भी एक्स दिख रहा है वहाँ आपको अपर लिमिट से माइनस करना है, ध्यान रखना है ना, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपर लिमिट से माइनस किया तो पाई माइनस एक्स हो गया, यहाँ देखा साइन पाई माइनस एक्स हो गया डिवाइड बाई, यहाँ अगर बात करें हम लोग तो वन प्लस कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो गया डी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया जीरो से पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स, साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन एक्स रहेगा डिवाइड बाय वन प्लस कॉज स्क्वायर 180 माइनस थीटा बेटा माइनस होता है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए प्लस का ही रहेगा डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब ये आई की वैल्यू इसे फर्स्ट ले दीजिए बेटा और इसे सेकेंड ले दीजिए। अब इसका बेनिफिट क्या है आपका देखिए ध्यान से कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ये पूरी वैल्यू सेम है ना। तो ऐड क्या होगा, अगर इन दोनों को ऐड करना चाहें तो एक्स और पाई माइनस एक्स ऐड हो जाएगा, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो टू आई की वैल्यू आ गया जीरो से पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉज स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट हो गया बाहर हो गया, मतलब ऐड क्या हो गया एक्स प्लस पाई माइनस एक्स ऐड हो गया, ठीक है ना। ऐड करना तो आता ही हो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया कांस्टेंट पाई हो गया, पाई को बाहर कर सकते हैं और जीरो टू पाई हो गया और ये हो गया साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स,
ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखते हैं, अगर अपर लिमिट से हमने माइनस किया था, क्या लगा था अपर लिमिट से माइनस किया था, तो देखो फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, कोई चेंज आया था क्या? नहीं आया था ना। तो अपर लिमिट से अगर चेंज करते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखिएगा, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते थे, 2 f(x)dx। अगर अपर लिमिट से आप माइनस करेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपर लिमिट है ना, उससे माइनस किया कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको 2 times कर सकते हैं, पाई से बाहर निकाल देते हैं, 2π कर दिया और इसकी लिमिट को हमने हाफ कर दी, पाई बाई 2 sin x / 1 cos² x हो गया, डी एक्स हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ और आगे प्रोसेस पे। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो कॉज का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, तो कॉज एक्स को हमने टी ले लिया, तो क्या आएगा, कॉज एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, मतलब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ डी टी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस पूरी वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये वैल्यू 2π डी टी हो गया, ये हो गया डी टी अपॉन 1 + t² हो गया, और डी टी की जगह क्या लिखना है, माइनस का, तो ये माइनस लिख दिया। अब समझना है कि लिमिट क्या होगी, 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू आपके पास मालूम है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और जब पाई बाई 2 पुट किया तो cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू किसकी होता है, 2i की है, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और माइनस दिया हुआ तो लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं, पाई कर सकते हैं, 0 to 1 कर सकते हैं, dt कर सकते हैं, और 1 + t² कर सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ओके, और लिमिट को इंटरचेंज किस प्रॉपर्टी से करते हैं पता है, प्रॉपर्टी 2 से कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, टेन इनवर्स एक्स का है ना, तो टी लिख दिया और लिमिट लगा दी 0 to 1, ये हो गया पाई टाइम्स 1 लगाने पर क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 1 हो गया, और माइनस का टेन इनवर्स 0 आ गया, ठीक है। अब टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई होती है, तो पाई इंटू पाई बाई 4 आ गया, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए बेटा, π² / 4 आ जाना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके चलिए, तो जब भी ध्यान रखना है, एक बार वापस देख लेते हैं, अल्जेब्रिक विथ ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर आता है तो अल्जेब्रिक को क्या करना होता है, इलिमिनेट करना होता है, इलिमिनेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रॉपर्टी 4। ओके, दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। एग्जाम्पल ये कंप्लीट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इवेल्युएट -1 to 1 साइन रेस्ट पावर 5x इंटू कॉस पावर 4x dx। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो -1 to +1 के बीच में है, और -1 to +1 के बीच में अगर है तो हमें प्रॉपर्टी 5 को देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 क्या थी, प्रॉपर्टी 5 ये होती है कि -a to +a के बीच में अगर कोई फंक्शन है और इवन है तो उसे 2 times कर देते हैं, और अगर ऑड है तो 0 होते हैं। तो आपके पास फंक्शन जो दिया गया है वो फंक्शन है कुछ ऐसा, sin^5x (cos^4x) दिया गया है, माइनस एक्स कर दीजिए बेटा, sin^-x है और ये कंप्लीट पावर क्या है बेटा, 5 है, और cos^-x है और उसकी पावर 4 है। अब sin^-x का मतलब -sin x होता है, और उसकी पावर क्या आ गई, 5 आ गई, cos^-x की वजह से cos x ही होती है, पावर 4 हो गया। इसे देखें तो -1 की पावर 5 है तो माइनस हो जाएगा, और sin^5x आ जाएगा, और ये cos^4x हो गया। तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में माइनस का f(x) हो गई, मतलब फंक्शन जो है f(x) ऑड हो गया, और जैसे ही कोई फंक्शन ऑड होता है तो उसका रिजल्ट आप क्या लिखते थे, डायरेक्ट 0 लिख देते, मतलब -1 to +1 sin^5x (cos^4x dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, रिजल्ट 0 लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा, क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ये भी इवेल्युएट लिखा हुआ है, और कंडीशन है 0 to π/2 sin^4x /
साइन रेस्ट पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट पावर 4x। अब इस चीज को समझिएगा बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं। पाई बाय टू ध्यान रखिएगा, पाई बाय टू, और प्रॉपर्टी फोर को दिमाग में रखिएगा, प्रॉपर्टी फोर को दिमाग में रखिएगा। प्रॉपर्टी फोर क्या थी कि अपर लिमिट से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक ना। सबको क्या करना होता है, अपर लिमिट से माइनस करना होता है, ठीक है। चलिए तो इसको क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, आई एज्यूम कर लिया, और प्रॉपर्टी फोर यूज की, क्या यूज किया, प्रॉपर्टी फोर। तो जीरो टू पाई बाई टू साइन रेस्ट पावर फोर, जहां पर भी एक्स वहां क्या लिखना है, पाई बाई टू माइनस एक्स लिखना है, ठीक है ना। साइन रेस्ट पावर फोर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखना है, प्लस कॉस रेस्ट पावर फोर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखना है, डी एक्स लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद क्या करना है बेटा, देखो जीरो टू पाई बाई फोर हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस पावर फोर एक्स हो गया, डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब है कॉस थीटा होगा, कॉस पावर फोर एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो साइन पावर फोर एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों केस में क्या हुआ, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, जो कि बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी चाहिए, मैं उसे दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से क्या किया बेटा। देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, डिनोमिनेटर देखिएगा, हमने प्रॉपर्टी फोर यूज की, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स लगा दिया, देखिए डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। जब चेंज नहीं होता है तो आंसर क्या आता बेटा, अपर माइनस लोअर बाई टू, अपर माइनस लोअर बाई टू। इस प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, देखिए डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते थे अपर माइनस लोअर बाई टू, मतलब पाई बाई फोर इसका आंसर होगा, आंसर क्या आएगा, पाई बाई फोर। चलिए तो हम लोग काम तो कर ही लिखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई, टू आई। अब टू आई की वैल्यू क्या, देखिए लिमिट तो सेम है, लिमिट सेम, डिनोमिनेटर भी सेम है, पाई बाई टू है बेटा, डिनोमिनेटर भी सेम है, कॉस फोर एक्स हो गया और प्लस साइन फोर एक्स है, डी एक्स है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया, साइन फोर एक्स प्लस का कॉस फोर एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, एक्स आ गया और लिमिट आ गई जीरो से पाई बाई टू। अब पाई बाई टू लगा दीजिए, पाई बाई टू माइनस का जीरो, अपर या अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, और ये वैल्यू किसकी है, टू आई की है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई अपर माइनस लोअर बाई टू, मतलब आंसर पाई बाई फोर, ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी फोर बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अब इसी प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल और है जो कि आपको दिया गया है यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल जो दिया गया है, एग्जाम्पल है पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री डी एक्स अपॉन वन प्लस रूट ऑफ टेन एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, हमेशा आई एज्यूम कर लेते हैं। अब रूट टेन एक्स है तो रूट टेन एक्स हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री वन प्लस, ये होगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉज एक्स और डी एक्स हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम दे दीजिए बेटा, तो पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, ये कॉज एक्स ऊपर जाएगा, रूट कॉज एक्स हो गया डिवाइड बाय रूट अंडर साइन एक्स आ गया प्लस का रूट के अंदर कॉज एक्स हो गया और डी एक्स हो गया, ये आई की वैल्यू है, ठीक है ना। अब याद कीजिए बेटा प्रॉपर्टी फोर, अपर प्लस लोअर, पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, पाई बाई टू हो जाएगी, अपर प्लस लोअर। अगर अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स करते हैं तो आई की वैल्यू ये हो गया पाई बाई सिक्स, ये हो गया पाई बाई थ्री, रूट के अंदर कॉस जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे अपर प्लस लोअर, तो अपर प्लस लोअर कितना है पाई बाई टू, और माइनस का एक्स करना है। नीचे भी दिया गया यही, साइन अपर प्लस लोअर माइनस एक्स प्लस का इन रूट ऑफ
कॉस अपर प्लस लोअर माइनस एक्स डी एक्स, ये कर दिया। न्यूमरेटर तो चेंज हो गया यहाँ पर क्योंकि पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री और इन रूट ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है डिवाइड बाय, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए तो रूट के अंदर कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस रूट के अंदर साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ओके। अब अगर ये आ गया है तो इस चीज़ को समझिए, हम लोगों ने बात की है यहाँ पे फर्स्ट नंबर की और इसे बात की सेकंड, और दोनों केस में देखिएगा डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है तो न्यूमरेटर को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐड किया तो ये हो गया टू आई फर्स्ट और इस फर्स्ट हो गया सेकंड को ऐड कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या मिला बेटा, लिमिट तो सेम है तो एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया इन रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स लिख दिया, ऊपर कितना गया बेटा रूट ऑफ कॉज एक्स लिख दिया प्लस का रूट ऑफ साइन एक्स लिख दिया डी एक्स हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधी सी बात है इसका आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा इसका इंटीग्रेशन और लिमिट लगेगी पाई बाय सिक्स और पाई बाय थ्री। फिर से वही क्वेश्चन बेटा, ये अपर माइनस लोअर ये वैल्यू किसकी है, टू आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, आई की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व कीजिए बेटा, तो पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स कितना होगा, पाई बाय थ्री होगा, पाई बाय सिक्स होगा सॉरी, और डिवाइड बाय टू तो पाई बाय ट्वेल्व आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिलेगा बेटा, पाई बाय ट्वेल्व मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका 35, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बेटा, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्पल इवेल्युएट 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका आंसर होता है बेटा माइनस का पाई बाई टू लॉग टू। अगर आप याद कर सकते हैं तो आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आप क्वेश्चन को आई एज्यूम करते हो, 0 टू पाई बाई टू है और लॉग ऑफ साइन एक्स है डी एक्स है, ठीक है। अब जहाँ कुछ भी यूज नहीं होता बेटा, हमें क्या करना होता है, प्रॉपर्टी फोर यूज़ कर लेना होता है। तो देखो लॉग साइन एक्स है तो हम अगर पी फोर यूज़ करने जा रहे हैं तो अपर लिमिट्स आपने माइनस कर दिया, पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिया डी एक्स हो गया। अब इसका मतलब हो गया 0 टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स के लिए क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इस वैल्यू की वैल्यू जो होती है वो इसके इक्वल होती है, ठीक ना, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, ठीक ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉज एक्स होता है विद इन लिमिट 0 टू पाई बाई टू और दोनों की वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई टू लॉग टू होती है। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टू आई आ जाएगा, लिमिट सेम है तो ऐसे लिख दिया, लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया और प्लस का लॉग ऑफ कॉज एक्स आ गया और डी एक्स आ गया, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद क्या मिला, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं लॉग की, लॉग साइन एक्स इंटू कॉज एक्स हो गया डी एक्स हो गया। अब जैसे ही हमें ये मिल जाता है, अब हमारे पास दिमाग में ये आता है कि अगर यार ये साइन एक्स कॉज एक्स है, इसे साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारी प्रॉपर्टी वापस वही आ जाएगी, जिसे हम साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो क्या करें, डिवाइड बाई टू कर दें और टू मल्टीप्लाई कर दें, टू मल्टीप्लाई टू डिवाइड, उसका फायदा क्या मिलेगा, उसका फायदा ये मिलेगा 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा लॉग, ये साइन टू एक्स हो गया बेटा और डिवाइड बाई टू हो गया डी एक्स हो गया। तो वैल्यू क्या मिल गया हमें, 0 टू पाई बाई टू मिल गया, लॉग साइन टू एक्स हो गया और डी एक्स हो गया और माइनस का 0 से पाई बाई टू लॉग टू डी एक्स हो गया। यहाँ क्या यूज़ किया हमने, लॉग एम अपॉन एम, तो लॉग एम माइनस लॉग एन कर दिया और इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर तो देखिएगा माइनस का लॉग टू कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन बेटा एक्स होगा और लिमिट लगेगी 0 टू पाई बाई टू, तो ये हो गया माइनस का पाई बाई टू लॉग टू, ठीक ये सॉल्व हो गया। अब बस की बात इसकी, अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में चाहिए क्या था बेटा, लॉग साइन एक्स चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू एक्स है, तो टू एक्स को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ डी टी आ जाएगा ना। अच्छा अब लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, हम इसके बारे में बात करने के बाद, ये हो चुका है सॉल्व, ठीक है, हाफ हो गया
अब जीरो के केस में जीरो होगा, और जब पाई बाय टू पुट किया यहाँ पे, पाई बाय टू पुट करने पे क्या आएगा, पाई हो जाएगा, पाई हो गया। लॉग क्या हो गया बेटा, साइन एक्स हो गया, साइन टी हो गया सॉरी, और डी टी हाफ हो गया, ठीक है। तो लॉग साइन टी डी टी हो गया है। अब इस केस के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिएगा, प्रॉपर्टी सिक्स आपको पता है बेटा, प्रॉपर्टी सिक्स में क्या था, अपर लिमिट से माइनस करेंगे चेंज होगा क्या, देखें लॉग साइन, अपर लिमिट से चेंज किया तो लॉग क्या आएगा, साइन टी आ जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अब फंक्शन चेंज अगर नहीं हो रहा है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट को हाफ कर सकते थे, हाफ ये टू टाइप्स करते हैं, जीरो से पाई बाय टू हो जाएगा, लॉग साइन टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये फंक्शन किसका है, टी का है, टी को हम एक्स में चेंज कर सकते हैं, ये टू से टू कैंसिल कर दिया बेटा, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया है। अब ये एक्चुअल में क्या था, यही तो हम लेके चले थे, यही क्या था, आई की वैल्यू थी, ठीक ना, ये वैल्यू क्या थी, आई की। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, टू आई है, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में है टू आई, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, आई, और माइनस का पाई बाय टू लॉग टू है ना, आई को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो टू आई माइनस आई की वैल्यू आई, माइनस पाई बाय टू लॉग टू हो गया। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चंस जो थे एक्सरसाइज 7.11 के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स थे वो हम लोगों ने टैकल कर लिए हैं, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बाकी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।